ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 टोयोटा कैमरी हाइब्रिड। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप अगर टोयोटा की और भी गाड़ियां देखना चाहते हो तो आप टोयोटा की प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, बहुत सारे आपको वहां पे इनकी कार्स अवेलेबल हो जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड गाड़ी थी, बहुत समय से आप लोग इसके लिए पूछ रहे थे, तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट टोयोटा शोरूम विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। वीडियो पूरा देखिएगा सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके एक एक स्पेक जानने के लिए, फीचर्स जानने के लिए। फिलहाल आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं सामने आना चाहूँगा इस शानदार ऑफरिंग की टोयोटा की तरफ से। बहुत ज़्यादा वेल डिज़ाइंड आप इसको बोल सकते हैं जो इसका फ्रंट प्रोफाइल है, बहुत ही एक अपीलिंग फ्रंट लुक आप इसको बोल सकते हैं। चलते हैं पास में और इसका जो पूरा क्लोज व्यू है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, आप केवल यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट्स पर ध्यान दीजिए, कितने सारे आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, डिज़ाइन एडिशन मिलते हैं। अपने जो हेडलैम्प्स हैं वो आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको लीव डिज़ाइन देखने को मिलेगा, लीव शेप पूरा आपको देखने को मिलेगा। एलईडी का यूसेज शानदार आपको मिलेगा इसमें, जितना भी लेटेस्ट टेक आप इमेजिन कर सकते हैं किसी भी गाड़ी के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, वो सारा आपको इधर मिल जाएगा। अब इधर अपना जो ग्रिल एरिया है वो आप देख लीजिए, पूरा क्रोम फिनिश और आपकी जो पियानो फिनिश है वो यूज़ करी गई है, क्रोम बॉर्डरिंग है वो यूज़ करी गई है। ब्रांडिंग आप देख रहे हैं इधर टोयोटा की, बहुत ही ब्रॉड सी ब्रांडिंग दी गई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और फ्रंट को बहुत अच्छा सा अपील दे रही है। अगर आप पूरी गाड़ी फिर से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं पीछे आ गया हूँ, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अब कैमरा कर देते हैं नीचे की तरफ और इधर अपने आप जो फॉग लैम्प्स हैं वो आप देख लीजिए, तो एक्सटेंसिव डिज़ाइन पूरी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फ्रंट प्रीव्यू है। आप भी अगर मेरे बात से एग्री करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है घर बैठकर तो आप कंपनी का लिंक यूज़ कर लेना, घर बैठकर आपको टेस्ट ड्राइव भी मिल जाएगी। बोनट आपको चेक करा देते हैं, तो इधर आपको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही ब्रॉड सा पूरा बोनट इधर अवेलेबल कराया गया है, स्विगी पैटर्न्स इधर पूरे प्रोवाइड करे गए हैं, ह्यूमंगस है पूरी गाड़ी है, शायद आपको पूरा ये फील हो भी रहा होगा। अब आपका जो वाइपर सेटअप है वो आप देख लीजिए, डुअल वाइपर सेटअप आपको इधर प्रोवाइड करा गया है, केवल आप इसकी लेंथ देखिए, विड्थ देखिए, सब कुछ आपको यूज मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं टोयोटा वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी गाड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है, बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है, वो आप इधर देख सकते हैं। फ्रंट प्रोफाइल पूरा कवर हो गया, जो भी इसके रिलेटेड स्पेक्स थे वो सारे आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल गए होंगे। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको पूरा चेक कराएंगे, उससे साथ सबसे पहले आपको इसकी जो की है वो आपको दिखा देते हैं। रिमोट कीज़ अवेलेबल है और ये तो एक्सपेक्टेड चीज़ है, वो तो आपको मिलनी मिलनी है। आपका जो बूट ओपनर है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, की मैंने वापस रख ली है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक वन फ्रेम व्यू दे देता हूँ, इधर बहुत सारी जगह अवेलेबल है शोरूम पे, तो आराम से पूरा आपको इसका जो साइड प्रीव्यू है वो पूरा इधर मिलने वाला है। साइड प्रीव्यू पूरा आप इधर चेक कर लीजिए। चलते हैं पास में और इसका जो व्हील एरिया है वो आप देख लो, ब्रिजस्टोन के आपको जिसमें टायर्स हैं प्रोवाइड करे गए हैं। फिनिश आपको पता नहीं है कि आपको कैसी लग रही है, जो कॉम्बिनेशन है डिज़ाइन का उसके हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप में से जो लोग भी कैमरी चला रहे हैं अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है, आपके व्यूज़ जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इधर आप देखते हैं तो हाइब्रिड की ब्रांडिंग है वो आपको प्रोवाइड करी गई है, साथ में आपके जो ORVM है वो आप चेक कर लीजिए। इधर भी आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है, डुअल फिनिश आपको इधर देखने को मिल रही है, साथ में जो आपकी डोर लाइन है विंडो लाइन है वो पूरी आप देख सकते हो, पूरा आपको जो क्रोम बॉर्डरिंग्स हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं, जो क्रोम बीडिंग्स हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं। चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो बैक प्रोफाइल है वो पूरा आपको दिखाते जाते हैं। इधर आप अपना जो फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख सकते हो, अपर पार्ट चेक करा देते हैं, अपनी जो सनरूफ है वो भी आप देख लीजिए, जो इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है, इंडियंस को सनरूफ वैसे भी बहुत ज़्यादा अपील करती है और वो इधर प्रोवाइड करी गई है। और इस रेंज की गाड़ी से आपको वैसे भी एक्सपेक्टेड रहता है कि कोई भी फीचर ना छूटे और वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक कराते हैं, जो इसका रियर प्रोफाइल है वो आपको दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल पूरा हो गया है, चलिए उससे पहले आपको जो ड्राइवर साइड है वो भी आपको दिखा देते हैं। हमेशा मैं सारे एंगल से गाड़ी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, हर एक साइड पूरा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि कोई भी आपको बोल सकते हैं प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ आपको पता चल जाए जो भी आप चाहते हो। बाकी जो भी स्पेक्स हैं वो सारे आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे। अब ऊपर आ जाते हैं पहले, तो इधर आपकी ब्रॉड सी पूरी विंडशील्ड, साथ में आपका जो डिफॉगर है, आपका जो हाई स्टॉप लैम्प है,
इसके अलावा आपके जो टेल लैम्प्स हैं वो आप देख लीजिए, एलईडी का यूसेज आपको देखने को मिलेगा शानदार लुक के साथ। पूरा इसका बैक प्रोफाइल जैसे इसका फ्रंट है, अब आफ्टर ऑल आप इतना अगर प्राइस पे कर रहे हैं तो वैसी आपको डिज़ाइन मिल रही है, वैसी आपको क्वालिटी मिल रही है। और आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं कितना ह्यूमंगस साइज़ है इसका। इसके बाद टोयोटा की ब्रांडिंग आप देख सकते हो, उधर कैमरी की ब्रांडिंग पूरी आपको क्रोम पे अवेलेबल है, जो पूरी प्लेटिंग है। रियर में आपको क्या अच्छा लगा ये आप बता सकते हो, अपने जो व्यूज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो ब्रांडिंग्स हैं वो चेक करा देते हैं। हाइब्रिड की ब्रांडिंग आपको इधर दी गई है, आपका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, आपके पार्किंग सेंसर्स हो गए, ये भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसका जो बूट है वो ओपन कर लेते हैं, तो सिंपल आपको बस की प्रेस करनी है। यहाँ पे आप की में अपना जो बूट ओपनर है वो खोल सकते हो, और ये आप देख सकते हैं आपका जो टेल गेट है वो ओपन हो गया है। इधर अपनी आप जो स्पेसेस हैं वो आप देख लीजिए, शानदार स्पेसेस इधर आपको मिलती हैं। थोड़ा सा मैं अंदर कर देता हूँ कैमरा, चंक अमाउंट ऑफ स्पेस। और आपका जो बूट लैंप है वो भी प्रोवाइड करा गया है, ये आप देख सकते हो आपका बूट लैंप हो गया। इसके अलावा इधर से भी पूरा व्यू ले लीजिए, कंप्लीट आप आइडिया ले लीजिए। अभी तक जो भी स्पेक्स वगैरह होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, बाहर से काफ़ी बात कर ली है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और जो इसका इंटीरियर है वो आपको चेक कराएंगे। तो ओपन कर लेते हैं, पहले कार मैंने ओपन कर ली है, और ये आपका वेलकम फंक्शन हो गया, आपके ORVM आपने चेक किए होंगे। अब इसका जो इंटीरियर है वो आपको दिखाएंगे। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कोई डाउट नहीं है इसमें, शानदार लग रहा है। डुअल फिनिश बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए। ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं हर एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ इसका जो पूरा डैशबोर्ड है। इसके बाद आपकी जो सीट्स हैं, अपने जो हेडरेस्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एडजस्टेबल दिए जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चेक करा रहा हूँ। अपना जो डोर है वो आप देख लीजिए, हर चीज़ आपको लार्ज मिलेगी। जो डिज़ाइन इसका है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बाकी आप अपने व्यूज़ बता सकते हो। आपकी डोर पॉकेट्स हो गई, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, आपका लॉक अनलॉक बटन हो गया, विंडो लॉक हो गया, ORVM एडजस्टर हो गया। साथ में जो आपका मेमोरी फंक्शन है सीट के लिए वो भी आपको प्रोवाइड करा गया है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी सीट्स में अपनी मेमोरी सेव कर सकते हो, और आपको बार बार ये मूवमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी जो आपकी ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। बस सिंपल आप यहाँ पे दो मेमोरी सेव कर सकते हो, और आपको बस प्रेस करना है और आपकी सीट उसी पोजिशन पे एडजस्ट हो जाएगी। तो ये कंफर्ट फीचर है और वो इधर प्रोवाइड करा गया, और ज़रूरी भी रहता है इस रेंज के बाहर के लिए, तो कंपनी ने इस बात का ख्याल रखा है। बाकी कॉम्बिनेशंस आप अगर इधर देखते हैं तो आपको लगभग तीन कॉम्बिनेशंस इधर प्रोवाइड करी जाती हैं, बेज है आपका जो ग्रे है, और एक इधर आपकी पियानो ब्लैक फिनिश प्रोवाइड करी गई है। हर तरफ टॉप नॉच क्वालिटी, बाहर से काफ़ी बात कर ली है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और जो इसका इंटीरियर है वो आपको दिखाएंगे आराम से, पूरा डिटेल देंगे इसके इंटीरियर्स के बारे में। अभी तक आपको और गाड़ी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपसे आराम से बात करते हैं। अब दोस्तों, मैं ऑल न्यू 2020 टोयोटा कैमरी हाइब्रिड के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसका जो डैशबोर्ड है वो पूरा आप देख सकते हो, अच्छे से पूरा आप आइडिया ले सकते हो। डुअल कॉम्बिनेशन पूरा आपको डैशबोर्ड जो मैंने आपसे बाहर बताया था, अगर एक नॉर्मल गाड़ी से आप कंपेयर करते हो तो कुछ भी आप कहीं मैचिंग नहीं ले पाओगे। बहुत शानदार वाला इधर जो इंटीरियर है वो प्रोवाइड करा गया है। ये जो रियल लाइफ फीलिंग है ना, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर बैठकर। तो जो लोग भी इस रेंज के बाहर हैं तो ज़रूर कंसिडर करिए एक बार कैमरी, ज़रूर इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। अगर आप एक ओवरली लग्जूरियस गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, कार लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ये, और साथ में हाइब्रिड भी है, तो फिर कह नहीं क्या। तो आप केवल अपना जो माइलेज है वो इमेजिन कर सकते हो। अब ऊपर दिखा देते हैं आपको, तो इधर आप देख लो अपना अपर पार्ट, इधर आपको थोड़ी सी रगेड फिनिश प्रोवाइड करी गई है, ब्रॉड सा पूरा डैशबोर्ड इधर देखने को मिलता है। साथ में पूरा जो हम्प है वो आप पूरा इधर देख लीजिए। इसके बाद अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख पाओगे, शानदार डिस्प्ले। केवल आप जो बीच का DIS है या MID है उसका केवल आप साइज़ देख लो, इतने आराम से पूरा कलर्ड डिस्प्ले दिया गया है ना, कि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मस्त वाली दिखने वाली है। गज़ब का डिस्प्ले इधर प्रोवाइड करा गया है, और साथ में जो आपके डिफरेंट आपका स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, टेम्परेचर है, आपका जो इको पावर, सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर मिलने वाली है। सारे जो अपने आप डायल्स हैं वो इधर चेक कर सकते हो। साथ में आपको सिल्वर बॉर्डरिंग्स भी इधर देखने को मिल रही हैं। टॉगल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो इधर आपका वाइपर का टॉगल है और इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। पीछे आ जाते हैं तो अपनी जो स्टीयरिंग है वो आप देख लो, डुअल कॉम्बिनेशन कलर स्टीयरिंग प्रोवाइड करी गई है। पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल फीचर रहता है। जो लोग भी पैडल शिफ्टर के साथ गाड़ी चलाते हैं उनको ये बात पता होगी, बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। अगर आपकी गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स है तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपका एक्सपीरियंस क्या है।
इसके बाद अगर स्टेयरिंग पे आ जाते हैं तो सेवरल आप अपने कंट्रोल्स देख सकते हो इधर, क्रूज कंट्रोल भी आपको मिलता है, ये टोयोटा की ब्रांडिंग हो गई क्रोम के ऊपर। साथ में इधर आ जाते हैं तो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, आपका फ्यूल लिड ओपनर है, बूट ओपनर है, आपकी जो पावर बटन है मतलब कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए, वो आपको दी गई है क्रोम बॉर्डरिंग के साथ। अपने एसी वेंट्स चेक कर लीजिए तो ये भी आपको पूरे सिल्वर फिनिश पे मिलते हैं। जो इसकी बॉर्डरिंग है उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अब दोस्तों ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया है और आपको इसमें क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को यूज़ करते हो तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कर देना कि आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छा क्या लगता है और क्या आप इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले चुके हैं तो वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। अब चलते हैं, इसका सेंटर कंसोल है वो पूरा दिखाएंगे। तो पहले कोशिश कर लेता हूँ नीचे तक पूरा कैमरा मूव कर लेता हूँ। इधर आप इसका पूरा सेंटर कंसोल देख रहे हो, एसी वेंस आप देख सकते हैं। इसका साइज़ केवल ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे बाहर भी बोला था ना कि हर चीज़ आपको ओवरली लार्ज मिलेगी, स्पेशियस मिलेगी, अच्छी खासी विथ आपको मिलती है, बहुत शानदार वाला इंटीरियर मिलेगा, तो वो आप देख सकते हो। हर एक एंगल में आपको लग्जरी फील हो जाएगी, हर एक कोने में आपको लग्जरी फील हो जाएगी। आपका हज़ार लाइट का बटन हो गया, ये आपका है इन्फोटेनमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे आप देखिए पूरा पियानो फिनिश, सीडी विद इन 7 पॉइंट, JBL आप देख सकते हो, JBL का पूरा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, JBL के स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आवाज़ केवल आप इमेजिन कर सकते हो, कभी अगर मौका मिलेगा तो अलग से मैं आपको आवाज़ भी सुना दूंगा। वैसे JBL है तो आवाज़ तो अच्छी रहने वाली है, अभी मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो डिफरेंट बटन्स हैं वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं, साथ में जो आपका टच कंट्रोल है वो भी आपको देखने को मिलता है। बहुत ही ब्रॉड सा पूरा जो डिस्प्ले है वो प्रोवाइड किया गया है। नीचे आप देखते हैं तो आपका एसी कंट्रोल एरिया हो गया, ऑटोमेटिक एसी तो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ये पूरी पैनलिंग है ना, सबसे ज़्यादा तो अट्रैक्शन आपको इसी से ही होगा। जब आप इसको देखोगे ना, जो सबसे ज़्यादा आपको एक अच्छा वाला फीलिंग आएगा वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसको देख कर ही खाली, कितना वेल लेड पूरा जो इसका सेंटर कंसोल है वो कंपनी ने डिज़ाइन किया है। साथ में सिस्टम पे वापस आना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा आपसे कि जो भी इसके रिलेटेड फीचर्स होंगे, स्पेक्स होंगे, वो सारे आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिखेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। टच भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूरा आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इधर ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो ज़रूरत के जितने भी फीचर्स होंगे वो सारे आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिख रहे होंगे, तो फॉरवर्ड मत करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आपका USB है, ऑक्स है, मतलब कि USB में कोई डेटा वगैरह है कनेक्ट करके प्ले कर लो, और आपका अगर ऑक्स मतलब कि मोबाइल में कोई म्यूज़िक वगैरह है तो कनेक्ट करके आप यहां पे प्ले कर सकते हो। साथ में अब आपका इसमें आपको 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, तो ऑन द गो अपने आप गैजेट्स चार्ज कर पाओगे। ये तो एक कनेक्टिविटी फीचर हो गया और ज़रूरी भी होता है आज के डेट में, जब इतना ज़्यादा लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, तो बैटरी तो ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाती है। नीचे आ जाते हैं तो आपको वायरलेस चार्जर प्रोवाइड करा गया है, ये आप देख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला फीचर से ये गाड़ी ओवरलोडेड है और वो आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा। यहाँ पे आपके मोबाइल में अगर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो अपना आप जो मोबाइल है वो आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो, तो ये तो आपको अपनी मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, साथ में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी प्रोवाइड करी गई हैं, शानदार वाला फीचर। इधर आपका गेयरबॉक्स हो गया, ऑटोमेटिक है तो इतना इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो आपको EV मोड है, जो होल्ड का बटन है वो प्रोवाइड करा गया, और आपको जो इको नॉर्मल स्पोर्ट मोड है वो भी जो बटन्स हैं वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको इधर देखने को मिल रहा है। इधर पूरी जो फिनिश है इसके बारे में जो भी आपके थॉट्स हो वो ज़रूर आप बता दीजिएगा कि आपको ये जो फिनिश है वो कैसी लग रही है। पूरा आपको पूरा कॉम्पैक्ट वेल डिज़ाइंड पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इधर देखने को मिलेगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा खासा डीप आपको जो पूरा स्पेस है वो प्रोवाइड कराया गया है, जो अंडर आर्मरेस्ट एरिया प्रोवाइड करा गया है, बहुत ही ज़्यादा विथ भी है इधर, तो जैसे आप चाहना वैसे यूज़ कर लेना। और ये आपका मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है ये, और पूरा जो स्टिच फिनिश है वो आप इधर देख सकते हो। अब सेंटर कंसोल पूरा कवर हो गया है, पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। सिस्टम के जो भी फीचर्स वगैरह होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिख गए होंगे। अब चलते हैं इसका जो को ड्राइवर साइड है, सबसे पहले ग्लव बॉक्स दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा डीप ग्लव बॉक्स देख सकते हो आप, और बहुत सारी स्पेस अंदर अवेलेबल है, जैसे इसको चाहना वैसे आप यूज़ कर लेना। इसको मैंने बंद कर दिया है, अब चेक कर लेते हैं वैनिटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ड्राइवर को ड्राइवर साइड लाइटेड वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है, और ड्राइवर साइड आपको लाइटेड वैनिटी मिरर इधर भी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। इसको बंद कर देते हैं, साथ में आपकी जो सनरूफ है वो अंदर से भी मैं दिखा देता हूँ, बाहर से मैंने आपको चेक करा दी थी। इधर आपकी जो फंक्शनिंग है वो आप देख सकते हो, इधर आपकी जो फंक्शनिंग है वो प्रोवाइड करी गई, साथ में आपके लाइट के कंट्रोल्स हो गए।
अब दोस्तों फ्रंट की डैशबोर्ड की मैंने आपसे पूरी अच्छे से बात कर ली है, सारे जो फीचर्स हैं स्पेसिफिकेशंस हैं आपको बता दिए हैं। आपको अभी तक क्या अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा, कुछ अगर आपको पूछना है तो मोर देन वेलकम है, ज़रूर पूछ लीजिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश होगी। वैसे तो आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस कवर कर देता हूँ अपने वीडियोज़ में। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी की सेकेंड रो ऑफ सीट में और वहाँ बैठकर आपसे डिटेल में बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों ऑल न्यू 2020 कैमरी हाइब्रिड की रियर सीटिंग, जो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अगर आप इस रेंज की बात करते हो, क्योंकि जनरली इस रेंज में शॉफर ड्रिवन ही लोग रखते हैं अपनी गाड़ियाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सबसे पहले आप देख लो इधर आपका जो डोर है वो आप चेक कर लो, आपको जो सन ब्लाइंड्स हैं ये आपको प्रोवाइड करे गए, ये आप देख सकते हो। साथ में जो डोर है वो आप देख लीजिए, तो आपको डोर पॉकेट्स अवेलेबल हैं, आपके पावर विंडो कंट्रोल हो गए, ऑटो मिलता है आपको, पूरा पियानो फ्लैक फिनिश जो आपने फ्रंट वाले डोर में भी देखी थी तो वही कैरी करी गई है इधर भी। और डोर खोलने के लिए हैंडल पूरा आपको ये सिल्वर फिनिश पे इंसर्ट प्रोवाइड किया जाता है, एक्सटेंडेड इंसर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब इधर पहले आप पूरी अपनी सीटिंग का व्यू ले लो, फिर चलेंगे गाड़ी के अंदर। बाहर से काफ़ी बात कर ली है, ज़रूरत की बातें थी वो सारी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और जो स्पेस वगैरह है वो आपको चेक कराते हैं, जो कि प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इधर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, 6 फीट मेरी हाइट है, मैं मस्त आराम से बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल एक बिजनेस क्लास केबिन लग रहा है। और आगे की स्पेस देख लो आप, तो अभी आप जितनी भी सीट पीछे करना चाहते हो कर लो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, मस्त आप अपनी जो राइड है वो इन्जॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप इधर देखते हैं तो आपके एसी वेंट्स हो गए, रियर एसी वेंट्स हो गए, पूरा आपको जो इंसर्ट है जो आप आगे देखते हो अपने सेंटर में वो आपको इधर भी प्रोवाइड करा गया, थोड़ा सा एक मैचिंग मिल जाता है। एसी वेंट आपको दिए गए रियर सीटिंग के लिए भी, बहुत अच्छी बात है, और इंडिया में तो वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है तो ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर देख लीजिए आपका जो चार्जिंग यूएसबी है, क्या बात है, 2 चार्जिंग यूएसबी आपको प्रोवाइड करी गई हैं, तो पीछे वाले पैसेंजर्स भी ऑन द गो अपने गैजेट्स चार्ज कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ रह गई थी, जो सीट एडजस्टमेंट है ना को ड्राइवर साइड की, वो आपको इधर प्रोवाइड करी गई है। ये देखिए ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका बैक, और आगे पीछे करनी है तो आप ऐसे प्रेस कर सकते हो, ये आपकी आगे पीछे का बटन। आपने जनरली देखा कि सीट के साइड्स में देते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, अब गाड़ी अलग है तो कुछ ना कुछ तो आपको अलग मिलेगा। इसके बाद आपका जो बोल सकते हैं कि आर्मरेस्ट है वो आप पूरा चेक कर लो, जो आप अपना एसी वगैरह है वो आप कंट्रोल कर पाओगे यहाँ से, या देख सकते हैं म्यूज़िक वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। इसके बारे में जो भी आपके थॉट्स हो वो ज़रूर बता देना, लगभग जो मेजर कंट्रोलिंग होती है वो सारी आप कर पाओगे इधर। साथ में आपको 2 इधर कप होल्डर्स भी दिए गए, बस आपको खाली ये प्रेस करना है और ये आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये आप देख लीजिए वॉल्यूम वगैरह कर सकते हो, आपका जो सनशेड है वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ना जो आपका रियर सनशेड है, ये देखिए मैं फिर से इधर दबा देता हूँ, ये देखिए पूरा जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद अब ये पूरा कवर हो गया है, इसको बंद कर देते हैं। अब आप इधर देख रहे हैं अपना डैशबोर्ड, जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूं तो आपको डैशबोर्ड ज़रूर दिखा देता हूं हर गाड़ी का, और वो आप इधर चेक कर सकते हो। अब आपको बताना है कि आपको इसमें क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, ये आपको बताना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप शायद इसके प्रॉब्लम कस्टमर होने वाले हो। मेरे हिसाब से मैंने आपको दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो डैशबोर्ड ज़रूर आपको चेक कराता हूँ हर गाड़ी का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी गाड़ी के। जब आप अंदर आते हो वैसे तो पूरी ये गाड़ी लग्जरी है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, हर चीज़ आपको जो एक्सपेक्टेड होती है इस रेंज की गाड़ी से वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपना सपोर्ट बना के रखिए, आगे आप किस गाड़ी का वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।